ये तो सुरेश की बेटी मेघा है। आधा किलो दाल देना। और कैसी है तू? हम ठीक है। और तेरी बड़ी बहन मेघा? वो भी ठीक है। सुरेश, उस लड़के को तो मैंने नहीं पहचाना, लेकिन तेरी बेटी मेघा को पहचान लिया। मेघा और रोहिणी दोनों जवान हो रही हैं, इस उम्र में कदम बहकते देर नहीं लगती। जरा लगाम लगा सुरेश, कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाएं। जवान होते बच्चों के माता पिता अक्सर परेशान रहते हैं कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं। सुरेश अवस्थी भी अपनी बेटी मेघा के लिए काफी परेशान रहते थे, और उनकी परेशानी का कारण था उनकी बेटी मेघा की किसी अनजान लड़के से बढ़ती दोस्ती, और बहुत जल्द ये परेशानी डर में बदल गई। सुनते हो, मेघा घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब कहाँ गई वो? पता नहीं, हम तो रसोई में खाना बना रहे थे और वो दूसरे कमरे में थी। मेघा, ओ मेघा, अरे जरा ये सब्जी तो पूरी छील देती। तू सुन रही है ना? अरे तू जवाब क्यों नहीं दी? मेघा, 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 और रोहिणी वो कहाँ है? वो तो अभी अभी स्कूल से आई है। बोल रोहिणी, कहाँ है मेघा? हमें कुछ नहीं पता बाबा, दीदी ने हमें कुछ नहीं बताया था। नहीं, वो उस लड़के सोमेश के साथ तो नहीं भाग गई? वो लड़का सोमेश है, उसने हमारी बच्ची मेघा को अगवा किया है साहब। बच्ची है सिर्फ 17 साल की। सोमेश ने उसे अगवा किया है या अपनी मर्जी से उसके साथ भागी है? नहीं साहब, वो तो बच्ची है, उस कमीने ने उसको अगवा किया है। मेघा के पास मोबाइल है? जी। नंबर दीजिए। 6444-5। एक अजीब बात है, पिछले 2 हफ्तों से मेघा के फोन से कोई कॉल नहीं हुई, और उसके फोन का लास्ट लोकेशन उसका घर ही है। ये सुरेश जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। मेघा के फोन से पिछले 2 हफ्तों से कोई कॉल नहीं किया गया था, और उसके फोन की लास्ट लोकेशन थी उसका घर। क्या मेघा के गुमशुदा होने के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो अभी तक सामने नहीं आया था? 2 हफ्ते पहले आखिर ऐसा भी क्या हुआ था? हम सच कह रहे हैं। अगर तू झूठ बोल रहा है तो समझ ले, तुझे तेरी बेटी कभी वापस नहीं मिलेगी। तेरी बेटी अपना मोबाइल फोन अपने घर पे रख के गई है। इससे साफ पता चलता है कि अपनी मर्जी से सुमेश के साथ भागी है। ये सुमेश है कौन? दो बार उस लड़के के साथ तुझे देखा गया है घूमते हुए। पहली बार तूने कहा कि कोई नहीं था, हमने मान लिया, लेकिन कल फिर तू उस लड़के के साथ दोबारा घूम रही थी। सुरेश, अपनी बिटिया को थोड़ा संभाल कर रखो। हमको नहीं लगता वो स्कूल भी जाती है। आज उसे तालाब के पास देखा है, किसी लड़के के साथ हंसे टिटोली कर रही थी। कौन है वो लड़का? बाबा, उसका नाम सुमेश है।
और हम उसे पसंद करते हैं। कहाँ रहता तेरा है? इन बच्चियों को लेकर अपने मायके जाती है, फिर वहां उस लड़के के साथ ये घूमती रहती है, पर तुझे कुछ पता ही नहीं। तुझे तो मालूम होगा ना, तू बता। नहीं बाबा, हमको कुछ नहीं मालूम, कसम से। बहुत हुआ, आज से तेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद। ये फोन जो है ना, तेरी माँ के पास रहेगा, और इसका स्कूल भी जाना बंद। आज के बाद से तूने घर के बाहर कदम भी निकाला। इधर देख, टांगे तोड़ दूंगा। तुमने अपनी बेटी पर इतनी पाबंदियां लगाई थी, फिर भी वो उस लड़के के साथ भाग गई। उसने उस लड़के के साथ बात तो जरूर की होगी, और उसके साथ यहां से भागने की प्लानिंग भी की होगी, वो भी अपनी माँ की कड़ी निगरानी के बीच। नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। रोहिणी, तुम्हें कुछ पता है? भगवान की कसम साहब, हमको कुछ नहीं पता। तुम्हारा मोबाइल नंबर? मेघा और उसके पिता सुरेश के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर कॉमन है, जो कि अब बंद है। ये नंबर जरूर सोमेश का ही होगा। मतलब मेघा अपने पिता के फोन से सोमेश को फोन करती थी। सुरेश, मेघा ने तुम्हारे फोन से ही सुमेश को फोन किया था, तो ये तो हो नहीं सकता कि घर के किसी आदमी को इस बारे में पता ही ना हो। हमें सच में कुछ नहीं पता साहब। देखो, अगर तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से उसके साथ छुपती फिर रही है, तो फिर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं साहब, ये सोमेश का है, और पिछले 3 दिन से उसका कोई अता पता भी नहीं साहब। रहता कहाँ है वो? यह पासी के गांव में रहता है साहब, अकेला रहता है। उसके माँ बाप यहाँ नजदीक में एक नारजियापुर गांव है, उसमें रहते हैं। सुनिए। मालूम नहीं साहब, पिछले 2-3 दिनों से वो घर आया ही नहीं। सुरेश, मैंने तभी कहा था तुमसे, लगाम कस लो। हमें उस पर पूरा भरोसा था, अपने बाप को धोखा दिया है उसने। और रोहिणी, अगर मुझे पता चला कि तुमने उसका भागने में साथ दिया है, तो छोड़ूंगा नहीं तुमको। हमको कुछ नहीं मालूम बाबा, हम सच कह रहे हैं। साहब वो यहाँ नहीं है, कल ही चला गया। क्या वो मेघा नाम की किसी लड़की के साथ आया था? जी साहब। और इसी वजह से हमसे बहुत गालियां भी खा के गया साहब। पगला गया है, मत मारी गई है तेरी। कोई ऐसे लड़की को भगा के लाता है? देख, इसे जाकर इसके घर पहुंचा दे। नहीं माँ, हम मेघा से बहुत प्यार करते हैं, और अब शादी भी करेंगे तो इसी से करेंगे। देख बेटा,
इसका तो दिमाग खराब हो गया। तू अपने घर चली जा, तेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। हम भी सुमित से बहुत प्यार करते हैं और हम वापस नहीं जा सकते। हमारे माँ बाबा हमें जान से मार देंगे। ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए वो करो। हम इस शादी को नहीं मानते। भगवान के लिए अभी यहाँ से चले जाओ यहाँ से। साहब, हमें कुछ सही नहीं लगा इसलिए हमने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। हमने उसे बहुत समझाया कि उस लड़की को उसके माँ बाप के घर पहुँचा दे। अब वो कहाँ है हमें कुछ नहीं पता साहब। सर, सोमेश के माँ बाप के साथ बात हुई। वो लड़की मेघा अपनी मर्जी से ही उसके साथ भागी। अब तो मेघा को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अपनी मर्जी से भागी, ऊपर से नाबालिग। एक काम करो, इन दोनों की फोटो सर्कुलेट करो, कहीं भी जा सकते हैं, शायद दिल्ली की तरफ गए हों। सब रोहिणी शुरू से ही चुप थी, थोड़ी डरी हुई। क्या कोई ऐसा राज था जो रोहिणी के दिल में कैद था, जिसके बारे में उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था? हम सोमेश से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या बोल रही हो दीदी? अगर बाबा को पता चला कि तुम उनके फोन से रोज उससे बात करती हो तो आफत आ जाएगी। हमें पता है, लेकिन हम सुमेश के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम उसके साथ जा रहे हैं। साथ जा रहे मतलब तुम उसके साथ भागना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या दीदी? ये सब क्या सोच रही हो? अम्मा तुम पर 24 घंटे नजर गड़ाए हैं। अगर बाबा को पता भी चला कि तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो जान से मार डालेंगे। तुम हमारी मदद करो। कल जब तुम स्कूल के लिए निकलोगी तो अपने बैग में हमारे कुछ कपड़े रख लेना और कल स्कूल मत जाना, हाईवे के पास हमें मिलना। क्यों हमें फंसा रही हो इसमें? बाबा हमारी खाल खींच लेंगे। कुछ नहीं होगा तुझे। अगर कोई कुछ भी पूछे तो कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मेघा पूरी तैयारी के साथ सोमेश के साथ भागी थी। दो हफ्ते गुजर चुके थे लेकिन सोमेश या मेघा की कोई खबर नहीं थी। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया।
हर जगह मेघा और सोमेश के फोटो भिजवाए, लेकिन दोनों का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। बहुत प्लानिंग के साथ भागे हैं दोनों, ताकि उन तक कोई ना पहुंच सके। मुझे डर है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बाबा जल्दी घर चलिए। क्यों, क्या हुआ? आप चलिए तो सही। तू जरा देख यहाँ पर, मैं अभी आता हूँ। मेघा, बाबा। बेटा मेघा, तू हमें छोड़ के कहाँ चली गई थी? लेकिन हुआ क्या? तो सचमुच में सोमेश के साथ भाग गई थी क्या? मेघा, उसने तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? मुझे पहले से ही शक था रोहिणी कि तुम्हें इस बारे में सब पता है। साहब, बच्ची है, माफ कर दीजिए। वो मेघा के बहकावे में आ गई थी, सब सोमेश का किया धरा है। साहब, ये मेघा, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? सोमेश ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की? आओ मेघा। आज से यही हमारी दुनिया है मेघा, अब हम यही रहेंगे। और शादी? वो भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। वो बार बार हमें दिलासा देता रहा कि वो हमसे शादी करेगा, पर हमें ही लगा कि वो हमसे शादी करना चाहता था। बस हमारे साथ नहीं सोमेश, शादी से पहले ये सब नहीं। अब हम शादी तो करने वाले हैं ना, अब हमने अपनी दुनिया बना ली और हम दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मान चुके हैं। पत्नी मानने में और पत्नी होने में बहुत फर्क है। पहले शादी कर लेते हैं, फिर शादी के बाद ये सब। वो हर रात हमारे करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन हमने एक बात भी नहीं सुनी। हम बार बार शादी के लिए कह रहे थे। एक दिन जब वो घर के बाहर काम ढूंढने के लिए गया था, तुम सोमेश के साथ इधर ही रहती हो? जी। शादी हुई है या ऐसे ही? शादी हुई है ना, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही पूछ लिया। उस सोमेश की दूसरी बीवी भी तो है ना, यहाँ बगराई गांव में ही रहती है। तुम्हें सोमेश के साथ देखा तो सोचा पूछ लेती हूँ। सोमेश की पत्नी है? हाँ, लेकिन तुम कौन? तुम्हें भी शादी के नाम पे फुसला के यहाँ लाया ना? सुनो, हमें देखकर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारे अलावा उसकी एक और बीवी थी, कविता। कविता ने सोमेश को छोड़ दिया, उसके बाद हमसे शादी हो गई। सोमेश ने कभी भी कविता के बारे में हमें कुछ नहीं बताया और एक दिन हमें छोड़कर चला गया और अब तुम्हें फंसा रहा है। हमने उसके लिए अपने बाबा माँ को धोखा दिया, अपनी बहन को इस्तेमाल किया और सुमेश सिर्फ हमारे साथ खेलता रहा और फिर बिना बताए हम उसे छोड़ के चले आए। मेघा, सुमेश ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया?
मेघा, इसे रख ले। नहीं बाबा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। गलती तो सब करते हैं, पर अपनी गलती का एहसास कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ले, इसे रख ले। अंत भला तो सब भला, लेकिन ये अंत नहीं था, एक नई मुसीबत की शुरुआत थी। एक ऐसी मुसीबत जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। ये लो बेटा, क्या हुआ तुझे? मेघा और रोहिणी दोनों घर नहीं लौटी। रोहिणी की सहेली ने बताया आज वो स्कूल भी नहीं गई थी। क्या, मेघा और रोहिणी दोनों गायब हैं? जी साहब, हम स्कूल भी पता करके आए। मेघा जब से वापस आई थी तो दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। हमने उसका फोन भी वापस कर दिया था, लेकिन अब फोन बंद है। मेघा के साथ रोहिणी भी गायब है, दोनों का कोई पता ही नहीं चल रहा है साहब। मेघा का फोन अभी बंद है और सोमेश का भी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार पिछले दो हफ्तों से मेघा सोमेश के टच में थी, और आज सुबह आखिरी कॉल भी उसने सोमेश को ही किया था। ये माजरा क्या है? मेघा खुद सोमेश को छोड़कर वापस आती है और दोबारा उसी के साथ भाग जाती, और इस बार रोहिणी को भी साथ ले जाती। हाँ, वो लगातार पिछले दो हफ्तों से सोमेश से बात कर रही थी। लेकिन साहब, वो तो सुधर गई थी, अब दोबारा से सोमेश से बात कैसे कर सकती है वो? साहब, वो तो घर में हमसे भी बात नहीं करती थी, तो फिर सोमेश से कैसे बात कर सकती थी? नहीं हो सकता साहब, वो उस मक्कार आदमी के साथ दोबारा क्यों भागेगी, और फिर वो रोहिणी को अपने साथ क्यों ले जाएगी? सोमेश और मेघा दोनों के फोन की लोकेशन पता नहीं चल पा रही है, दोनों के फोन बंद हैं, और आज सुबह मेघा ने जिसे आखिरी कॉल किया था वो सोमेश ही था। साहब, मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है, मेरी बच्ची की जान कहीं किसी खतरे में ना हो। लग तो यही रहा है कि वो फिर से भाग गई, और ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बार रोहिणी को साथ लेके क्यों गई। भगवान जाने हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी। एक शादीशुदा आदमी के साथ भागने का क्या मतलब है, और फिर जाना ही था तो आई क्यों थी? पता नहीं क्यों नाक कटाने पर तुली हैं दोनों लड़कियां हमारी। धुरीबा गांव से इंस्पेक्टर जयकांत ठाकुर का फोन आया था, वहां उन्हें दो बॉडीज मिली। वो डेड बॉडीज दो जवान लड़कियों की है, बहुत बुरी तरह से मारा गया। मैंने रोहिणी और मेघा की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दी थी, तो नीरलपुर पुलिस ने ये पता करने के लिए फोन किया था कि ये बॉडीज उनकी तो नहीं है। दोनों का चेहरा बुरी तरह कुचला गया है, पहचान पाना मुश्किल है। सर, हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए रोहिणी और मेघा के माँ बाप को बुलाना। ठीक है, बुलाओ उन दोनों को। वो दोनों कभी नहीं आएंगे। अब हमें ये मानकर जीवन बिताना पड़ेगा कि हमारी दोनों बेटियां मर गई हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए।
हेलो किसका फोन था? पुलिस को दो जवान लड़कियों की लाश मिली है, हमें शिनाख्त करने के लिए बुलाया है। मैं शक है कि वो दोनों लाशें हमारी बच्चियों की हैं। ना तो मेघा के माँ बाप को और ना ही पुलिस को यह पता चल पाया कि आखिर मेघा और सोमेश के बीच में क्या हुआ। इस बार तो रोहिणी भी मेघा और सोमेश के साथ गायब थी, और अब यह कह पाना मुश्किल था कि पुलिस को जो दो लड़कियों की लाशें मिली थी, क्या वो मेघा और रोहिणी की थी। कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो क्या अपने प्यार के भुलावे में मेघा किसी खतरे में पड़ गई थी, और फिर रोहिणी उसके साथ क्यों गई थी? ऐसा कौन सा जादू कर दिया था सोमेश ने मेघा के ऊपर कि ये जानने के बाद भी कि उसकी दो दो शादियां हो चुकी हैं, मेघा उसके साथ भाग गई? क्या कोई ऐसा था जिसे कुछ पता था लेकिन उसने चुप्पी साध ली थी? ये और ऐसे कई सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।